हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देख रहे हैं किचन में आ गई हूँ, काम करना बाकी है किचन में। और एक्चुअली नवरात्रों में क्या रहता है, सुबह को जल्दी झाड़ू पोछा होके लगता है, काम खत्म करके पूजा कर लेते हैं। और सभी के घरों में यही रहता है कि नवरात्रों में अच्छे से जल्दी मतलब पूजा हो जाती है। तो फिर मैंने कि चलो कुछ आज थोड़ा सा साफ सफाई है वो काम किया जाए, क्योंकि वैसा काम तो जल्दीबाजी में हो ही जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको कर लेते हैं। तो बस वही आई हूँ करने के लिए किचन में, और वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और मतलब रेसिपी वगैरह है मेरे पास में, तुम लोगों ने कमेंट करके कि दीदी इसकी व्रत की बनाना, वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करके दिखाऊंगी और बताऊंगी। वैसे भी अभी तो 5-6 दिन रह गए, आज कौन सा, हाँ तीसरा नवरात्र है, और धीरे धीरे देखे तीसरा भी हो गया, ऐसे ही नवरात्र निकल जाएंगे। हाँ मुझे कमेंट करके पूछा किसी ने, आपने दीदी पूरे, तो मैंने पूरे 9 रखे हुए हैं, वीडियो में बताया था गीता ने, और मैंने पूरे रखे हैं। ईसु ने पहला और लास्ट वाला, मतलब 2 रखेगी, पहला रख लिया, लास्ट का एक रखेगी भी जब। और उन दोनों के लिए भी सब्जी वगैरह बना करके सेट करनी है, क्योंकि हमारे दोनों के तो व्रत हैं, लेकिन गन्नू पिंकू ईशु ये तीनों लोगों के लिए सब्जी वगैरह भी बनानी है। और सही बताऊं 2 दिन ठीक से नहीं बना करके हमने दिया है जो हम व्रत का खा रहे, वही ईशु भी बहुत ज्यादा बोर हो गई है। देखिए किचन में हूँ ना हम, तो गर्मी बहुत सारी होने लगी है, तो वही ईशु बोल रही थी मम्मी ढंग से कुछ सब्जी बना दीजिए, हम लोग बोर हो चुके होता है ना कि हम तो व्रत रखा हुआ है, अजब हमारा खाने का मन नहीं है, तो बहुत ज्यादा अच्छा। किस किस के साथ ये होता है, अगर हमारा देखिए पेट भरा हुआ, खाने का मन नहीं है, और घर में अचानक कोई ऐसा रह गया, हाँ खाना बनाना है, तो जल्दी से मूड नहीं होता, क्योंकि रहता हमें तो भूख है ही नहीं, मेरे साथ ही ये होता है। तो मैं ईशु को हंस रही थी, लेकिन आज मैंने उनके लिए 2 सब्जी सोची है, क्योंकि गन्नू को, ईशु को वैसे दोनों पसंद है, लेकिन एक ज्यादा गन्नू को एक ज्यादा दोनों के लिए बनाऊंगी, दोनों बहन भाई खुश होके खा लेंगे। पिंकू का तो बस वही है, मन आ गया तो खाएगा, नहीं आएगा तो उसके तो यही काम चल रहा है। तो चलिए ज्यादा बातें ना करके, और हाँ वीडियो के लास्ट में मैंने काफी इम्पोर्टेंट बातें की हैं, तो प्लीज वीडियो के एंड तक जाइएगा, और बातों को मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ध्यान से सुनिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको कुछ देर के बाद में। तो देखिए यहाँ पे मैंने मूंगफली डाली है कढ़ाई में, और कुछ भी नहीं डाला है मैंने, ड्राई रोस्ट करना है मूंगफली को ऐसे ही थोड़ा सा धीमी धीमी गैस पे। और यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ साबूदाना, जो कि मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था और अच्छे से फूल गया है। और उसके बाद मूंगफली को निकालने के बाद में इसमें मैंने देसी घी डाला है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, उसके बाद चॉपर में हरी मिर्ची और टमाटर और थोड़ा सा धनिया चॉप किया है। चॉपर से इतनी अच्छी वो हो गई है, मतलब लाइफ ईजी हो गई है, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा एकदम से काम हो जाता है। और यहाँ पे मैंने सेंधा नमक डाल दिया है, व्रत वाला नमक। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप टमाटर खा लेते हो, तो हमारे यहाँ तो टमाटर खा लेते हैं व्रत में, इस वजह से मैंने डाल दिए। और यहाँ पे देखिए मूंगफली जो थी मैंने उनका छिलका निकाल के साफ करके उसके बाद उनको भी डाल दिया है इसी में ही। और अब यहाँ मैं डालूंगी साबूदाने को, यानी कि मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, और सच बताऊँ बहुत टेस्टी लगती है। और आप लोगों को पता ही है कि साबूदाना काफ़ी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, पौष्टिक होता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके और ढक करके कुछ देर के लिए इसको मैं अभी पकाऊंगी और अच्छे से, जिससे कि हमारा नमक वगैरह, देखिए हमारी खिचड़ी कैसी खिली खिली बनी है ना, चिपकती नहीं है बिल्कुल भी। आप साबूदाना जब भी भिगोएं सिर्फ उसमें पानी उसके डूबने तक ही डालें, ज़्यादा ना डालें, और उसके बाद खिचड़ी हमारी बन के तैयार है, तो आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो साफ सफाई थी, मतलब वही कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है। सर्दियों में क्या होता है कि खिड़की के जो विंडो वगैरह शीशे जो होते हैं वो बंद करके रखने होते हैं, अब इनको खोला जाएगा। वैसे तो बीच बीच में होती रहती है साफ़ सफाई, लेकिन जब बंद रहती है चीज़, जब ज़्यादा नहीं हो पाती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि रोज़ करती हूँ, हाँ होली से पहले हुई थी, बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई है। तो अब यहाँ पर मैं अच्छे से इसको कपड़े से कर लूँगी। उधर गीता भी अपने कुछ कामों में लगी पड़ी है, आपको दिख रही होगी बीच बीच में। और ये मेरी किचन की तरफ से जो डक्का दिया हुआ है, ये विंडो मेरी किचन में है, और बाकी का मेरे हॉल से जो है उनको भी साफ़ करूंगी। मतलब 5-6 मेरी इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं ये। और आप ये ग्रिल देख रहे हैं ना, ये मैंने खुद से ही लगवाई थी, बिल्डर ने ये ग्रिल लगा करके नहीं दी थी, लोहे की जाली की ये जो खिड़की है ये, और शीशे वाली ही दी थी खाली लगा करके, ये मैंने खुद से लगवाई है, क्योंकि आप लोग भी देखते हो गन्नू पिंकू है, बच्चों की सेफ्टी। और आज मेरे एडजस्ट फैन का नंबर आया है, तकरीबन 1 महीने के बाद आज नंबर मैंने इसका लिया है, कई दिन से सोच रही थी जो नहीं हो पा रहा था, तो आज मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। कई बार क्या होता है हमारे पास, अगर टाइम ज़्यादा नहीं होता है कि प्रॉपर पूरे को खोल के करें, तो इस तरीके से हम आगे से खोल के कर लेंगे। जिस दिन मुझे अच्छे से टाइम मिलेगा तो मैं पूरा प्रॉपर इसको उतार करके साफ करके आपको दिखाऊंगी। अभी आपको बस मैंने यहाँ से आगे से इसका जो फ्रेम है ना वो निकाला है,
एक ढक्कन होता है उसको खोल के उसके बाद हम जो पंखा रहता है इसका उसको निकाल लिया है। अच्छे से इसको वॉश करूँगी और ध्यान दें हमेशा अपने पॉइंट को ऑफ कर लें इसके, जब भी आप साफ़ करें या बिजली का कोई भी काम करें मतलब पॉइंट को ऑफ करने के बाद ही करें। ऑन से क्या रहता है देखिए कुछ पता नहीं, हादसा होने का चांस ज़्यादातर रहता है, तो इसमें जो भी जहाँ तक मेरा हाथ जा पाता है मैं उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। देख सकते हैं बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, एकदम से चिपचिपा हो रहा है। सच बताऊं मेरे हाथ भी ऐसे पकड़ के दिखाने में ही एकदम चिपचिपे से हो गए, क्योंकि इतना लेट में साफ नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार नहीं हो पाया है। अब कटोरी में मैंने गर्म पानी लिया है, इसमें विम लिक्विड पहले मैं प्लेट में सोच रही थी लेकिन कम रहता, फिर मैंने कटोरी में लिया है और विनेगर डाल दिया है जिससे कि ये अच्छे से साफ हो जाएगा और एकदम चमक जाएगा। फिर मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ ऐसे ख़राब होने का तो कुछ चांस है नहीं है, लेकिन अगर इसको हम साफ़ नहीं करते ना तो जो इसके पीछे शटर होता है वो नहीं खुलता है, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर शटर नहीं खुलेगा जो भी हमारी चिकनाई है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि गर्म पानी है ना उसमें विनेगर जो डल जाता है उससे चिकनाई बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसे फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा हो गया ना, एकदम से चमक गया। अब इसको मैं ऊपर ही लगा के सेट कर दूंगी यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे क्या है कि पहले तो इसको पंखे को ही लगाना है जैसे मैंने बताया है आपको, उसके बाद में इसके आगे जो एक ढक्कन होता है उसको कस देना है, उसके बाद फ्रेम को सेट कर देना है, लेकिन इसके ढक्कन को टाइट कसना है, फैन चलने के बाद में गिरने का चांस ना रहे कि यहाँ आगे को गिर जाए। यहाँ मेरा फ्रेम देखना एक बार गिरेगा, गिर गया ना तो, क्योंकि मैंने सोचा सेट हो गया लेकिन नहीं हो पाया था, अब की बार अच्छे से हुआ है, क्योंकि इसमें क्लिप होती है ना वो फंस जाती हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों की किचन में है तो इस तरीके से साफ 15 दिन में ज़रूर कर लें, इस बार मैंने एक महीने में किया है, बहुत ज़्यादा गंदा मेरा हो रखा था, तो ये काम भी मेरा एक आज निपट गया है। हमारा तो व्रत का खाना पीना हो गया था लेकिन बच्चों के लिए भी खाना बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने चॉपर में प्याज को टमाटर को चॉप कर रही थी, उधर मैंने कढ़ाई में पता है भिंडी आप लोगों के साथ में शेयर की थी ना, तो थोड़ी ही बनाई थी लेकिन गन्नू को इतनी पसंद आई उसको लग रहा और बुआ भिंडी बनाओ, मतलब आधा किलो में से आधी बनाई थी, तो बाकी की अभी मैंने उधर कढ़ाई में बना दी है भिंडी। और उसके बाद में अरबी, ईशू को लग रहा था कि मुझे तो मम्मी सूखी अरबी खानी है, मैंने कि चलो कोई बात नहीं तेरे लिए ये भी बना देती हूँ मैं, तो यहाँ पे अरबी उबाली है उसके बाद मैं छीलूंगी और यहाँ पे मैं अरबी बना दूंगी, और बीच बीच में अपनी भिंडी बनाई हुई है जो उनको भी चलाती रहूँगी, क्योंकि भिंडी को तो ऐसा ही रहता है ना नीचे से कढ़ाई में लग ना जाए ये भी डर रहता है, इसमें कुछ पानी वगैरह तो डलता नहीं, सूखी ऐसे ही ढक करके बनाते हैं। और सही बताऊँ व्रत है इन लोगों के लिए, ये सब खाना बनाते बनाते अपना भी मन हो जाता है। और यहाँ पे इनको महाराज देख लीजिए आराम से ऐसे, ये ऐसे ही स्लिप पे कुछ भी हम काम करते हैं तो बैठ जाता है, उधर गन्नू ने मेरे ट्राइपॉड में पैर मार दिया। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ को भिंडी रख दी है, दूसरी तरफ को मैं अरबी बनाऊंगी, तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और इसको पता है भगोने में ना मैगी और मैंने चौलाई के लड्डू बनाए थे उनको लिए फिर रहा है, दो तीन लड्डू को किसी को नहीं खाने दे रहा है, खुद ही लेके घूमेगा। गीता बच्चों के लिए कुछ दूध वगैरह बना रही है किचन में इधर ही, यहाँ अरबी में उबाल करके बनाऊंगी, उबाली हुई है मैंने। उसके बाद देखिए यहाँ मैंने अजवाइन, हमारे यहाँ ना अरबी जो बनाते हैं अजवाइन में बनाते हैं, लहसुन प्याज का मैंने उपयोग नहीं किया है बिल्कुल भी, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने टमाटर और हरी मिर्ची जो चॉप की थी वो डाली है, उसके बाद हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर मैं ज़्यादा डालती हूँ, सूखी सब्जी जैसे अरबी बनाई भिंडी बनाई उसके बाद में यहाँ मैंने अरबी डाल दी है इसमें उबली हुई, उसके बाद में मिक्स करके और कुछ देर ढक के पकाऊंगी जिससे कि मसाला हमारी अरबी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और हरा धनिया डालूंगी उसके बाद हमारी सब्जी। सच बताऊं मेरा भी बहुत मन हो रहा था, मैं ईशू से हंस रही थी, मैं कहा तूने पराठे बनाए हैं अरबी के साथ, मेरा भी मन हो रहा है खाने के लिए। हेलो एवरीवन, तो देखिए मैंने जैसे आप लोगों को शुरू में बताया है मैं कि आप मुझे बात करनी है आप लोगों से, एक्चुअली बात करने के लिए पहले तो ये हो रहा था कि करूँ या ना करूँ, सच्ची में दुविधा में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ऐसा नहीं है मेरा मकसद बात करने का किसी का मन दुखाने का रहे या किसी को नीचा दिखाने का रहे, ऐसा मैंने कभी आज तक कभी किसी वीडियो में नहीं किया है और ना ही मैं कभी करने वाली हूँ और ना ही मैंने किसी के लिए कुछ गलत बोला है। अब आप समझ के होंगे मैंने निधि के ऊपर वीडियो बनाई थी, कोई कमेंट ऑफ नहीं किया, बहुत लोगों ने बोला कमेंट ऑफ कर रखे हैं, जब आप लोग कमेंट कर रहे हो तो मैंने ऑफ़ कैसे किए हुए हैं, पहली बात तो आज भी ओपन है ना, मैंने किए ना ही मैं आगे भी करूँ,
क्योंकि मैंने उसमें कोई निधि को देखे, मेरी निधि से कोई पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी तरीके से ऐसा नहीं है कि भाई उनसे क्यों, क्योंकि देखिए वो भी अपना काम कर रही है, मेहनत कर रही है, अपनी वीडियो बना रही है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ, अपनी मेहनत कर रही हूँ तो अपनी वीडियो बना रही हूँ। दूसरी बात, मेरा उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने तो अच्छा बोला है, क्योंकि मैंने उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला था उसमें, आप लोग पूरी वीडियो नहीं सुनते, जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किया है उनको मैं ये बात बोल रही हूँ कि पूरी वीडियो नहीं सुनी। हाँ, उस वीडियो में भी मेरी में थोड़ी मिस्टेक रही, तो शायद समझ में नहीं आया, इस वजह से मैं यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में कुछ बातें हैं बताना चाह रही हूँ। मैंने सिर्फ ये बोला था कि देखिए, ससुराल वाले आदमी के बाद में कोई दुनिया में होंगे, 100% में से सिर्फ 10% ही साथ देते हैं, 90% नहीं देते हैं। लेकिन वही लगता है कि आप, हम लोग चाहे कोई भी हो, देखिए चाहे मैं ही हूँ, अगर रोज़ रोज़ उन्हीं बातों को लेके मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग भी यही बोलोगे कि दीदी हमें और भी कुछ दिखाओ रोज़ रोज़। दूसरी बात, जब तक हमें अगर अपनी लाइफ में खुश रहना है, आगे बढ़ना है, तो उन सारी बातों को कुछ ना हद तक हमें छोड़ना ही पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, चाहे कह लीजिए भूलना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा मकसद यही था, बाकी ऐसा नहीं था। बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ है, किसी को कैसे जीना अच्छा लग रहा है, किसी को कैसे जीना अच्छा लग रहा है, सब अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। किसी के कोई ऐसा नहीं है कि भाई दबाव कपड़े पहनने का या वो, क्योंकि बहुत सारे सबकी एक अपना अपना नज़रिया होता है। और बहुत लोगों ने मतलब कमेंट किया है कि आप जलती हो, ये क्यों जलूँगी आप बताइए, उसने कौन सा मेरी संपत्ति अपने नाम करा ली, भाई मैं जलूँगी, मेरा क्या मतलब है जलने का, कोई जलन नहीं है, खाली वीडियो, मेरा एक ये मकसद था। और ऐसा नहीं है, निधि की वीडियो मैंने देखी है, उसने भी मेरी वीडियो देखी है, पहली वीडियो आप देखोगे जब निधि ने चैनल स्टार्ट किया था, तो मेरी वीडियो पर कमेंट है, वीडियो देखिए कमेंट के थ्रू, और वैसे भी एक इसका मतलब वो मुझे भी जानती है, ऐसा नहीं है कि जानती नहीं है, कमेंट किए हैं मेरी वीडियो पर भी। तो उस नाते ही मुझे ये था कि भाई छोड़िए, रोज़ रोज़ मत आप ये करो, क्योंकि कहते ना कि जो उन्होंने किया है ससुराल वालों ने वो उनके साथ है, आपने अच्छा किया है आपके साथ है, रोज़ रोज़ गलत करेंगे तो कहते ना हम किसी को रोज़ बुरा बताते रहेंगे तो हम लोग भी फिर वैसे ही बन जाएंगे, तो ऐसा क्यों बनना है। मेरा मतलब ये था, ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें कुछ गलत बोला है, ना ही मैंने कोई कमेंट ऑफ किए हैं। आज इसलिए और बता रही हूँ क्योंकि कल परसों में भी इतने कमेंट आए, एक ने बोला आप YouTube पर रहने के लायक नहीं है, YouTube अपना चैनल बंद कर दीजिए। तो देखिए नेगेटिव कमेंट करा है जिन्होंने, मैं उनको बता दूँ कि आपको पूछ करके मैं YouTube पर नहीं आई हूँ, मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनके लिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ, अपने लिए यूट्यूब पर आई हूँ, किसी को पूछ करके नहीं आई हूँ कि यूट्यूब पर मैं रहने के लायक हूँ या नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि और एक दो मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे कमेंट किया था, उनका कमेंट अच्छा था कि दी आप ना अपने ही मतलब जो रूटीन है वही दिखाया करो, किसी के ऊपर भी वीडियो मत बनाओ। तो मेरा ऐसा नहीं था कि भाई उस वीडियो को बना के मुझे कुछ मिल रहा है। आपको मैं बताऊँ, वो वीडियो मैंने बनाई थी, जितनी भी यूट्यूबर है ना वो तो सबको समझ में आ जाएगा जो मैं बताऊँगी, जिनको चैनल नहीं है उनको नहीं समझ आएगा। उस पर मुझे $1 मिला, जो हमारी वीडियो जाती है यानी कि जैसे हमने पब्लिश की है तो हमारा ग्रीन डॉलर बन जाता है, जिनके चैनल मोनो होते हैं उसके बाद में, कि हमारी वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत कोई नहीं थी, समझ ही नहीं आया यूट्यूब, उससे मुझे कुछ नहीं मिला है। ठीक है, मेरा $1 आया है उस वीडियो पर, $1 बनता है यानी कि आप लोगों को ऐड नहीं दिखा होगा 24 घंटे के लिए, 24 घंटे कोई ऐड नहीं आएगा। जिन्होंने मेरी शुरू में वीडियो देखी है जो यूट्यूबर हैं उनको समझ में आ जाएगा कि कितना भी हम कुछ कर ले, यूट्यूब हमें $1 दिया है, उस पर $1 का मतलब है कि मुझे कुछ पैसा नहीं मिला उस वीडियो का। अब आके बाद में एंड में आकर के अपने आप ही कुछ मेल वगैरह किया हम लोगों ने, उन्होंने तब वहाँ से $1 को हटाया गया है। तो ऐसा नहीं है ये सोचते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए, तो देखिए फ़ायदे के लिए तो ये होता ना कि मैं उनके लिए कुछ गलत बोलती, उसमें गलत बताती ये। और रही बात बुलबुल की, आज जो वीडियो गई है उसके ऊपर की, तो भाई उन्होंने मेरी हेल्प की है, जैसे इंसान ने देखो हमारी मदद की है तो उनको थैंक यू बोलना तो बनता ही है। तो चलिए कोई बात नहीं, यूट्यूब भी मैं नहीं छोड़ रही है। बहुत लोगों ने कमेंट किया आप लोग यूट्यूब छोड़ दो, वीडियो बनाने के लायक नहीं है आपकी वीडियो है ये वो, उन लोगों की बात मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ जो लोग मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और बहुत लोगों ने हाँ भी बोला है, लाइक आप देखिए 100 कुछ तो डिसलाइक हैं लेकिन 900 से ऊपर जा करके मेरे लाइक हैं, इसका मतलब इतने लोगों ने मुझे पसंद किया है, मुझे खुशी है।
तो चलिए कल मिलूंगी और एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। जो न्यू है चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।